नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभय। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री और कोरोना काल में दमोह के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह अस्पतालों का लगातार दौरा कर रहे हैं। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दमोह के सरकारी अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि मरीजों को ना तो ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होने दी जाएगी और ना ही आवश्यक दवाइयां और इंजेक्शन की। देखिए पूरी खबर। यूं तो चुनाव प्रचार के दौरान ही मंत्री भूपेंद्र सिंह दमोह में लोगों की समस्या दूर करने की कवायद में जुटे थे, वहीं प्रभारी मंत्री बनाए जाने के बाद मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दमोह के सरकारी अस्पताल का दौरा किया। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने साफ कहा कि शिवराज सरकार मरीजों के इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ने वाली। यहाँ की सारी व्यवस्थाओं की हमने समीक्षा की है। कल ही हमने कहा था रेमडेसिविर इंजेक्शन का, वो इंजेक्शन कल ही दमोह में पहुँच गए थे, आ गए थे। दूसरा, ऑक्सीजन के लिए भी बात करके और सुबह जबलपुर से 50 सिलेंडर यहाँ पर पहुँच रहे हैं दमोह के अंदर, तो ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है। यहाँ पर जो डॉक्टर्स की और बाकी स्टाफ की, जो टेक्निकल स्टाफ है, उसके लिए ये निर्देश दिए हैं कि कॉन्टैक्ट अपॉइंटमेंट पर तत्काल लोगों को रखें। जितना भी स्टाफ की आवश्यकता है कॉन्टैक्ट अपॉइंटमेंट पर रखें, और इसके साथ साथ जो टेस्ट हैं तो टेस्ट की क्षमता और बढ़े, इसके लिए कल या परसों से नया सेंटर शुरू कर रहे हैं। जहां पर टेस्ट होंगे तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, टेस्ट कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, वो व्यवस्था भी कर रहे हैं। और अभी वर्तमान में जो लगभग 197 बेड हैं, वो सभी बेड पर पेशेंट है, इलाज चल रहा है। किसी भी ना ऑक्सीजन की कमी है, ना रेमडेसिविर की कमी है। डॉक्टर्स को कॉन्टैक्ट अपॉइंटमेंट के लिए कहा हुआ है, जितने भी डॉक्टर्स या टेक्निकल स्टाफ चाहिए है उसके लिए कहा हुआ है। और हमारी कोशिश ये होगी कि दमोह में किसी भी प्रकार से कमी ना आ पाए, ये हमारी कोशिश है। आज के पेशेंट, आज मैडम कितने पेशेंट और नए आए हैं? आज नए पेशेंट कितने आए? आज कल 93 थे, कल 93 केस आए हैं, आज का भी शाम तक फिगर आएगा। तो अभी पर्याप्त क्षमता है, 200 बेड की क्षमता है। इसके अलावा भी एक कॉलेज में कौन सा है, वो चैनपुरा, उसकी भी व्यवस्था की हुई है, होम आइसोलेशन की भी व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर अभी दमोह में स्थिति नियंत्रण में है और लगातार हम हर घंटे CMHO और CS मैडम से बात कर रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको तत्काल सॉल्व कर रहे हैं। दमोह में लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, लोगों का जीवन सुरक्षित हो, इसके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। लगातार हर घंटे हम संपर्क में हैं और कोई कमी नहीं आने देंगे, विश्वास में दिला दें। पिछले दो दिन में 300 से ज़्यादा मरीज जा चुके हैं और आगामी दिनों में बढ़ने की आशंका है। देखिए, जैसा देश में ट्रेंड है उसकी तुलना में तो दमोह फिर भी कम है, परंतु 200 भी ज़्यादा हैं। और इसलिए जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं हम लोग सब कर रहे हैं, साथ में लोगों से मास्क की भी अपील कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस की भी अपील कर रहे हैं, जितना आवश्यक है उतना मूवमेंट करें इसकी भी अपील कर रहे हैं हम लोग। और कोशिश हमारी ये है कि दमोह में केस ना बढ़े और जो केस है उनको ठीक से ट्रीटमेंट मिले, ये हमारी कोशिश है।